हमें जो है इस तरह का पूरा जो है ब्रॉड साइज का बॉर्डर रिसीव होगा। एक साइड का जो पल्लू है ना, हमें इस तरह का पूरा यहाँ पे पल्लू में ना हमें इस तरह का कटआउट पैटर्न रिसीव होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ डिजाइनर साड़ी का हॉल वीडियो एंड बहुत ही अमेजिंग सा कलेक्शन लेकर आई हूँ आप सबके साथ शेयर करने के लिए। इसमें जो इस वीडियो में बहुत सारे जो साड़ीज हैं वो स्टाइलिश हैं, ट्रेंडी हैं, न्यू अराइवल्स हैं, तो बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज ऑफ साड़ीज लेकर आई हूँ, अलग अलग रेंज भी हैं। तो इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आप सबको डिटेल में समझ में आ सके। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूले। मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलती रहें। सो चलिए फ्रेंड्स, बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाती हूँ कि ये सारे प्रोडक्ट मुझे किस कंडीशन में रिसीव हुआ है, इनके क्या क्या क्वालिटीज हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये रहा फर्स्ट साड़ी एंड ये देखने में तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। इसका जो प्राइस है अराउंड 450 रुपीज है, तो जो भी इसका एग्जैक्ट प्राइस एंड इमेज है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। सो गाइस, ये रहा साड़ी एंड ये यहाँ पे ब्लू एंड व्हाइट शेड में यहाँ पे हमें रिसीव हुआ है। सो इस साड़ी का जो यहाँ पे फैब्रिक है वो मुझे थोड़ा शिफॉन जैसा फैब्रिक लग रहा है। इसकी क्वालिटी काफी बढ़िया है एज कम्पेयर टू द प्राइस। तो ये फुल्ली प्लेन साड़ी है एंड इसमें जैसे आप देख सकते होंगे कुछ इस तरह का यहाँ पे पॉम्पम लेस यहाँ पे दिया हुआ है व्हाइट कलर में। तो ये हमें पल्लू में तीनों साइड इसी तरह का सेम यहाँ पे रिसीव होगा जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी लग रहा है एंड ये पूरा स्काई ब्लू कलर में है। फुल्ली इस तरह का प्लेन आएगा एंड बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्टाइलिश काइंड ऑफ साड़ी है। जहाँ के लिए हम प्लीट्स बनाते हैं वहां का पूरा जो ये पोर्शन है फुल्ली प्लेन रहेगा। जो इसका बॉटम आएगा अगेन हमें यहाँ पे इस तरह का लेस बॉर्डर रिसीव हो रहा है जो कि बहुत ज्यादा ही बढ़िया है एंड इसी के साथ जो फ्रेंड्स ये पूरा साड़ी इस तरह का दिखेगा। नेक्स्ट जो इसके साथ हमें यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज रिसीव हो रहा है जो कि फुली व्हाइट कलर में है एंड इसमें ना ब्यूटीफुल सा फुली एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा है। इसमें यहाँ पे गोल्डन जरी का वर्क है, सीक्वेंस का वर्क है एंड ये ब्लू शेड का ना थ्रेड का पूरा वर्क दिया है इसमें, जिससे ना पूरे ब्लाउज को बहुत ही ज्यादा एनहांसिंग बना रहा है। इसमें आपको फ्रंट एंड बैक प्लस स्लीव के लिए भी ऑप्शन मिल जाएगा। सो मुझे ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी है। इतने प्राइस में ये बहुत ही बेस्ट साड़ी है, आप जरूर इसे जो है ट्राई कर सकते हो, ले भी सकते हो। मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। बैंगलोर सिल्क इसका पूरा फैब्रिक है एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है एंड 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस है। सो इस साड़ी का बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, ये रहा नेक्स्ट साड़ी। तो मैंने भी इन सबको पूरा ओपन भी नहीं किया है, बस आप सबके साथ यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ। ये फुली न्यू पैकेट्स में ही है, बस सिर्फ इसका अपर वाला कवर ही ओपन किया था चेक करने के लिए कि कौन कौन से साड़ीज रिसीव हुए हैं। ओके, सो लेट्स सी दिस साड़ी। तो ये रहा साड़ी जो कि आई थिंक थोड़ा सा बांधनी वाला पूरा पैटर्न है इसमें। तो ये यहाँ पे कॉटन सिल्क वाला पूरा फैब्रिक है इसकी जो कि काफी बढ़िया भी है। इसकी जो प्राइस है अराउंड आई गेस 600 रुपीज तक है एंड जैसे आप देख सकते होंगे ये फुली पीच कलर की साड़ी है, काफी शाइन है, बहुत ही बढ़िया भी लग रहा है, बहुत ही ग्रेसफुल साड़ी है ये। एंड ये जो पोर्शन दिखा रही हूँ पल्लू का है, तो हमें यहाँ पे पहले गोटा पट्टी का इस तरह का लेस यहाँ पे रिसीव होगा, ठीक इसी के नीचे ओवन जरी का यहाँ पे इस तरह का हमें काम मिल रहा है एंड नेक्स्ट एक साइड का जो पल्लू है ना हमें इस तरह का पूरा यहाँ पे वर्क रिसीव हो रहा है इसमें, जो कि यहाँ पे डोरी एंड पूरा यहाँ सीक्वेंस का पूरा वर्क रिसीव हो रहा है एंड इसमें ना पूरा बांधनी टच दिया है जिससे साड़ी को और भी ज्यादा ब्यूटिफुल बना रहा है एंड नेक्स्ट इस तरह का पूरा हमें यहाँ पे हैवी एम्ब्रॉयडरी वर्क रिसीव होगा एंड ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। पूरा यहाँ पे सीक्वेंस का वर्क है, डोरी का वर्क है एंड बांधनी पूरा इसमें यहाँ पे फैब्रिक के ऊपर इस तरह का डिजाइन एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है एंड नेक्स्ट साइड जो है अगेन इस तरह का वोवन जरी का काम मिलेगा। तो हमें पल्लू में कुछ कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे इस तरह का पूरा पैचवर्क रिसीव हो रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल है एंड नेक्स्ट जहाँ के लिए हम प्लीट्स बनाते हैं वहां का भी जो है फुली इस तरह का यहाँ पे हाफ पोर्शन जो है प्लेन आएगा एंड जिसका डाउन पोर्शन आएगा जिसे आप देख सकते होंगे इस तरह का एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलेगा प्लस यहाँ पे इस तरह का बॉर्डर रिसीव होगा। कलर बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसका पैटर्न एंड लुक वगैरह इज रियली वेरी वाव एंड नेक्स्ट जो है इसी के साथ हमें ब्यूटीफुल सा यहाँ पे ब्लाउज पीस भी रिसीव हो रहा है जो कि ये फुली प्लेन है, नॉट द प्लेन लाइक ये यहाँ पे बांधनी वाला पूरा ये इसमें टच दिया गया है एंड इसका जो फैब्रिक है वो आई गेस बैंगलोर सिल्क जैसा ही फैब्रिक है, बस इसमें पूरा यहाँ पे बांधनी प्रिंट वगैरह दिया है। 0.8 में का ब्लाउज पीस है,
इस तरह का गोटा पट्टी का लेस मिल जाएगा जिसे आप स्लीव के लिए अटैच करवा सकते हो। सो टोटली साड़ी तो मुझे रियली बहुत ही ब्यूटीफुल लगी है एंड आप इसे जो है जरूर जो है ले सकते हो, कोई भी ओकेशन वगैरह के लिए आप इसे जरूर ट्राई अप कर सकते हो। बहुत ही प्यारा एंड ब्यूटीफुल से साड़ी है। इस साड़ी के बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट रहा ये साड़ी एंड जैसे आप देख ही सकते होंगे मैं फ्रेशली ओपन कर रही हूँ। वेल मेरे पास अभी सीजर नहीं है, इधर सीजर रहता है बट बच्चा भी है घर में और भी लोग हैं तो इधर उधर हो ही जाता है। सो कोई नहीं बट हाथ से काफी अच्छे से ओपन भी हो जाता है। ओके गाइस सो ये रहा नेक्स्ट साड़ी एंड इसकी जो प्राइस है ये भी अराउंड आई गेस 500 to 600 रुपीज तक है। इसका जो भी एग्जैक्ट प्राइस एंड इमेज रहेगा ना आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। सो ये है साड़ी। इसका कलर एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कलर है ये, बट आई गेस थोड़ा सा ग्रेश टाइप में तो जरूर मुझे लग रहा है यहाँ पे, या फिर आप कैसे बीज कलर जैसा कुछ कह सकते हो, बट ये बहुत आई थिंक ये थोड़ा सा ग्रेश कलर में ही है। बहुत ही ज्यादा बढ़िया कलर है इसका। आप जैसे कि फोटो में दिया था ना बिल्कुल वैसा हमें यहाँ पे रिसीव भी हुआ है। तो ये जो साड़ी है इसका जो पहले फैब्रिक है ना वो यहाँ पे सिल्क की पूरा फैब्रिक है एंड ये कुछ थोड़ा विचित्रा सिल्क जैसा लग रहा है बट ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट वाली सिल्क की फैब्रिक है। बहुत ही अमेजिंग सी फैब्रिक है एंड ये पूरा जो साड़ी है ना फुल्ली लाइट वेटेड साड़ी है। ये आपको वर्क दिखेगा बट इसमें पूरा ज्यादा हैवी वर्क नहीं है, इन द सेंस कि साड़ी हैवी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो यहाँ पे पोर्शन है पल्लू आ जाएगा जिसमें हमें पूरा ब्यूटीफुल सा यहाँ पे इस तरह का वर्क दिया है जो कि पूरा जरी का वर्क है एंड ये बहुत ज्यादा स्टनिंग लग रहा है। तो इस तरह का पूरा एम्ब्रॉयडरी दिया हुआ है तो पल्लू के तीनों साइड हमें इसी तरह का मिल जाएगा। यहाँ पे रेड कलर के फैब्रिक से पूरा पाइपिंग किया हुआ है साड़ी में एंड नेक्स्ट जो इसमें पूरा यहाँ पे बूटी वर्क रिसीव हो रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिटी है एंड तो आप कह सकते हो कि फुली जो साड़ी है ना पूरा ये एम्ब्रॉयड वाली है, वर्क वाली साड़ी है एंड जैसे आप देख सकते होंगे नेक्स्ट जो है जहाँ के लिए हम प्लीट्स बनाते हैं फर्स्ट हाफ पोर्शन पूरा प्लेन आएगा अपर पार्ट का एंड नेक्स्ट जो यहाँ पे डाउन बॉटम आएगा अगेन इस तरह का पूरा हमें वर्क मिल रहा है जिससे साड़ी को बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल बना रहा है। तो ये यहाँ पे बॉर्डर जैसा आ जाएगा। एक्चुअली मैं आप सबको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि इसमें कोई स्टोन वर्क नहीं है बट इसमें जो जरे का काम दिया है ना इससे साड़ी को काफी ज्यादा चमक एंड बहुत ही एलिगेंट बना रहा है एंड स्पेशली इसका तो ये जो फैब्रिक है ना इट्स रियली वॉक इतने प्राइस में आई थिंक बहुत ज्यादा ही बढ़िया साड़ी है। मैं तो एकदम सेटिस्फाइड हूँ लेने के बाद। नेक्स्ट जो है इसी के साथ हमें यहाँ पे ब्यूटीफुल सा कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज पीस रिसीव हो रहा है जो कि इसमें भी पूरा एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, सेम सिल्क का ही फैब्रिक है, जो साड़ी का फैब्रिक है सेम यहाँ पे ब्लाउज में भी दिया है। पूरा ब्राइट मेरून नॉट मेरून पूरा ब्राइट रेड कलर की पूरे साड़ी बोल रही हूँ। सो पूरे ब्राइट रेड कलर के ब्लाउज पीस है एंड इसके ऊपर पूरा यहाँ पे सिल्वर या फिर ग्रे कलर का कह सकते हो उस तरह का जरी का पूरा काम दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है इस तरह का हमें यहाँ पे बॉर्डर के लिए भी आ जाएगा जिसे आप स्लीव के लिए अटैच करवा सकते हो। सो बहुत ही प्रिटी साड़ी है। इसमें आई थिंक कलर्स अवेलेबल हैं, आपको जो कलर पसंद आए आप उसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। साड़ी का बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट रहा ये साड़ी एंड ये ऑलरेडी हमने ओपन भी कर दिया था, मैंने नहीं किया था मेरे घर में सब लोग ओपन कर दिए थे। ओके सो ये है एक पिंक कलर की साड़ी। इसका जो प्राइस है अराउंड 900 रुपीज तक है एंड लेट्स सी कि साड़ी कैसा दिखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी यहाँ पे पिंक कलर की साड़ी है एंड हमें इसमें पूरा हैवी वर्क पूरा रिसीव होगा, जरी एंड ऑल्सो पर्ल का पूरा वर्क रिसीव हो रहा है। तो इस तरह के कटआउट पैटर्न में हमें ये साड़ी मिलेगा बॉर्डर में। ये जो पोर्शन है पल्लू का दिखा रही हूँ मैं आप सबको एंड इसमें जैसे आप देख सकते होंगे पूरा यहाँ पे गोल्डन जरी का काम है, ठीक उसी के ऊपर जो यहाँ पे हमें इस तरह का पूरा पर्ल का वर्क रिसीव हो रहा है। तो ये जो वर्क है हमें पल्लू के तीनों साइड सेम इसी तरह का रिसीव होगा। सो पूरे पल्लू में हमें यहाँ पे इस तरह का एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलेगा। नेक्स्ट इसमें हमें इस तरह का पर्ल का भी वर्क रिसीव होगा एंड जहां के लिए हम प्लेट्स बनाते हैं वहां का फर्स्ट हाफ पोर्शन पूरा इस तरह का प्लेन आएगा एंड इसका जो पूरा फैब्रिक है वो जॉर्जेट की फैब्रिक है, इसकी क्वालिटी काफी बढ़िया है एंड नेक्स्ट जो है बॉटम में हमें इस तरह का अगेन पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क रिसीव होगा पर्ल एंड जरी का एंड अगेन इस तरह का ब्रॉड साइज का बॉर्डर रिसीव होगा। इसी के साथ जो है हमें ब्लाउज पीस भी रिसीव हुआ है जो कि साड़ी के साथ ही है एंड पिंक कलर में है एंड प्लस ये इसी फैब्रिक यानी कि जॉर्जेट का ही फैब्रिक है। सिर्फ हमें आई थिंक यहाँ पे बैक साइड के लिए ही इस तरह का यहाँ पे वर्क दिया है और बाकी स्लीव वगैरह के लिए नहीं दिया है।
तो इस तरह का सिर्फ बैक साइड के लिए ही दिया हुआ है, जरी एंड पर्ल का वर्क है। वेल जैसा फोटो में था बिल्कुल वैसा आया भी। इस साड़ी का बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट ये रहा साड़ी, आराम से निकल जाती है। ओके सो गाइस नेक्स्ट रहा ये साड़ी एंड ये फुली फ्रेश पैकेज है, जैसे कि मैं आप सबको ओपन करके दिखाई। लेट्स सी द साड़ी। वेल ये ऊपर से देखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रही है एंड हाँ रियल में भी ये साड़ी बहुत ब्यूटीफुल है, मैं पहले ही बता देती हूँ। लेकिन हाँ लेट्स सी द साड़ी फर्स्ट, क्योंकि क्या पता कुछ इसमें फॉल्ट मिल जाए तो। ओके सो गाइस ये रहा साड़ी एंड ये थोड़ा सा आई गेस रेप्लिका काइंड ऑफ साड़ी है, तो इस तरह का पूरा यहाँ पे मरून शेड में है एंड इसका जो फैब्रिक है ना पूरा ये साटिन का पूरा मटेरियल है, साटिन सिल्क वाली फैब्रिक है, प्योर साटिन सिल्क वाली पूरी फैब्रिक है ये, बहुत ही ग्रेसफुल सी पूरी इसकी फैब्रिक है, बहुत ही बढ़िया है। एंड पल्लू में हमें जो है इस तरह का पूरा जो है ब्रॉड साइज का बॉर्डर रिसीव होगा, जिसमें पूरा यहाँ पे एलिफेंट का पूरा पैटर्न यहाँ पे इसमें बनाया है, डिजाइन बनाया है इसमें। यहाँ पे थोड़ा सा थ्रेड का वर्क है, जरी का वर्क है, सीक्वेंस का वर्क है, डोरी का वर्क है, लॉट ऑफ थिंग्स इसमें यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो जैसे कि फोटो में था एग्जैक्टली वैसा रिसीव हुआ है एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। तो इस तरह का बॉर्डर जो है हमें पल्लू में तीनों साइड रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑल ओवर जो साड़ी है ना इस तरह का फुली प्लेन आएगा, इसमें कोई यहाँ पे वर्क नहीं आएगा, बट हाँ साड़ी इज लिटरली वेरी अमेजिंग, काफी ज्यादा रॉयल लुक वाला पूरा साड़ी है ये। नेक्स्ट जो जहाँ के जहाँ पे हम प्लीट्स बनाते हैं फुल ये पूरा साड़ी प्लेन ही आएगा। जो इसका बॉटम है जैसे आप देख सकते होंगे इस तरह का, अगेन बॉर्डर पूरा हमें यहाँ पे रिसीव हो रहा है। सो लेट्स सी कि इसका ब्लाउज कैसा आया है इसके साथ। ओके गाइस सो ये रहा इसका ब्लाउज जो कि बैंगल्स इसका फैब्रिक है एंड सेम मरून कलर में ही है, 0.8 का ब्लाउज पीस है। इसी के साथ हमें यहाँ पे बॉर्डर भी दिया हुआ है जो साड़ी में था, जिसे आप स्लीव के लिए अटैच करवा सकते हो। इसका जो प्राइस है आई गेस मुझे उतना ध्यान नहीं है, आई गेस शायद 800-900 रुपीज कुछ होगा इसका प्राइस, बट हाँ जो भी वो प्राइस, साड़ी तो बहुत ही कमाल की है, मुझे सच में ये साड़ी बहुत ही बढ़िया लगी, यानी कि बहुत ही एलिगेंट है। इसके सारे काम फिनिश वर्क वगैरह बहुत ही नीट है, फैब्रिक बहुत ही बढ़िया है, कमाल की है। जो भी लंबे हाइट्स वाली गर्ल्स है ना उनके लिए तो बहुत ज्यादा ही बढ़िया है। वेल हम सब भी वेयर कर सकते हैं बट हमें कुछ ज्यादा ही इसको तामझाम करना पड़ेगा, बट हाँ साड़ी तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकती हो। इस साड़ी का बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट रहा ये साड़ी एंड अगेन मैंने इसको ओपन नहीं किया है। ये रहा साड़ी एंड या लेट्स ओपन दिस। बहुत ही खर खर जैसा आवाज आ रहा होगा ना आप सबको। ओके गाइस सो ये रहा साड़ी जो कि यहाँ पे ग्रीन कलर की साड़ी है एंड अब देखने से तो पता ही चल गया होगा कि ये फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड वाली साड़ी है। ओके गाइस सो ये रहा साड़ी एंड जैसे आप देख सकते होंगे इस तरह का जो थोड़ा सा डार्क ग्रीन वाले पूरे ये शेड है ना, बहुत ही ज्यादा प्रिटी वाला कलर है ग्रीन कलर का। एंड नेक्स्ट जो है ये पूरा जॉर्जेट की फैब्रिक है, फैब्रिक तो इसकी बहुत ही कमाल की है। सो लेट्स सी द एम्ब्रॉयडरी एंड मैं क्या ही बताऊं, एम्ब्रॉयडरी जो है ना माइंड ब्लोइंग है यार, कि इतना ज्यादा प्यारा वर्क है इसमें। एंड ये पल्लू में ना हमें इस तरह का कटआउट पैटर्न रिसीव होगा, इसी के साथ हमें पूरा यहाँ पे जरी का वर्क है, अलग अलग स्टोन्स का यहाँ पे इस तरह का यूज हुआ है, पर्ल का भी वर्क है एंड काफी सारे इसमें कलर्स जो है यहाँ पे यूज किए गए हैं थ्रेड में एंड बहुत ही ब्यूटीफुल से एम्ब्रॉयडरी वर्क की गई है। तो ये जो यहाँ पे वर्क है ना पल्लू के तीनों साइड सेम इसी तरह का रिसीव होगा, तो जैसा कि फोटो में था बिल्कुल वैसा रिसीव भी हुआ है, एग्जैक्टली इट इज सेम एज शोन इन द इमेज। एंड नेक्स्ट जैसे आप देख सकते होंगे पल्लू में हमें पूरे यहाँ पे बीच में इस तरह का वर्क रिसीव हो रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। जहाँ के लिए हम प्लीट्स बनाते हैं वहां का हाफ पोर्शन जो है प्लेन ही आएगा, इसकी फैब्रिक बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट हाफ पोर्शन जो बॉटम आएगा अगेन इस तरह का हमें वर्क रिसीव हो रहा है एंड इस तरह का बॉर्डर आएगा जो कि फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। वेल साड़ी इज लिटरली वेरी अमेजिंग। इसमें और भी कलर्स अवेलेबल हैं, आपको जो पसंद आए आप उसे ट्राई कर सकते हो। साड़ी के साथ ही ब्लाउज हमें यहाँ पे मिल जाएगा जो कि सेम कलर एंड सेम फैब्रिक में है, इस तरह का जरी का वर्क दिया है जो कि आप स्लीव के लिए आप इसको अटैच करवा सकते हो। नेक्स्ट जो यहाँ पे आप इसको बैक साइड के लिए यहाँ पे अटैच करवा सकते हो, तो इस तरह का एम्ब्रॉयडरी किया हुआ हमें यहाँ पे रिसीव हो रहा है।
आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हो, बहुत ही कमाल की साड़ी है इसका जो भी पूरा वर्क। एंड ट्रस्ट मी, इसमें से अभी एक भी पर्ल मुझे निकला हुआ नहीं मिला है, तो उतना नीट एंड फन एंड क्लीन वर्क है इस पूरे ऑल ओवर साड़ी में, जो कि आप बिन आंख बंद करके भी आप इसको ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। इसमें और भी कलर ऑप्शन मिल जाता है, जो पसंद आए खरीद लो। इस साड़ी का बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट रहा ये लास्ट साड़ी ऑफ दिस वीडियो, एंड या ये है एक मैजेंटा कलर की साड़ी। सो लेट सी कि ये कैसा है। ये थोड़ा सा एक रेप्लिका काइंड ऑफ साड़ी है, फोटो में मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया था देखने में भी, एंड हाँ थोड़ा सा रियलिटी में भी ये अच्छा लग रहा है। पहले हम पूरा देख लेते हैं, एक्चुअली मैंने इसको देखा नहीं है, ये जो भी पार्सल्स ओपन किए हैं ना मेरे घर में सब लोग ओपन किए हैं, मैंने नहीं देखा था अभी तक। ओके, सो ये रहा साड़ी, एंड जैसे आप देख सकते हो ये पूरा मजेंटा कलर की साड़ी है, एंड इसका जो फैब्रिक है ना जॉर्जेट की फैब्रिक है जो कि स्मूथ एंड सॉफ्ट वाली है। तो इसमें ना हमें यहाँ पे पूरा ना स्मॉल साइज के जो डायमंड वर्क्स आते हैं ना उस तरह का पूरा स्टोन का पूरा यहाँ पे इसमें वर्क दिया है, बहुत ही छोटे छोटे वाले डायमंड स्टोन्स आते हैं ना उस तरह के पूरा इसमें यहाँ पे वर्क दिया है, एंड ये कटआउट पैटर्न में दिया है जिससे साड़ी को बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल बना रहा है। तो जैसे आप देख सकते हो ये पूरे ऑल ओवर पल्लू में हमें सेम इसी तरह का यहाँ पे हेवी स्टोन का वर्क रिसीव होगा, एंड नेक्स्ट पूरे पल्लू में इसी तरह का हम यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे साइजेस के स्टोन्स का वर्क रिसीव होगा, तो इससे ना साड़ी को और भी ज्यादा ब्यूटिफाई करता है, ब्यूटिफुल बनाता है। नेक्स्ट जहाँ के लिए हम प्लेट्स बनाते हैं, जो उसका हाफ पोर्शन है ना इस तरह का फुली प्लेन आएगा, एंड नेक्स्ट हाफ पोर्शन में अगेन हमें इस तरह का यहाँ पे स्टोन का वर्क मिल रहा है, बट इसका जो स्टोन का यहाँ पे इसमें वर्क है ना थोड़ा सा अनइवन भी है, जैसे आप देख सकते होंगे कहीं कहीं थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा ही गैप हो गया है, कहीं ऊपर नीचे हो गया है इस तरह का, एंड नेक्स्ट बॉटम में अगेन इस तरह का बॉर्डर मिलेगा। सो ये पूरा जो साड़ी है ना सेम इसी तरह का ही हमें मिलेगा। सो गाइस ये रहा ब्लाउज पीस, एंड ये पूरा व्हाइट कलर की ब्लाउज है, ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड है विथ सीक्वेंस एंड थ्रेड का, जैसे आप देख सकते होंगे तो काफी ब्यूटीफुल भी है। तो जैसे कि फोटो में था एग्जैक्टली मैं नहीं कहूंगी फाइल जो मॉडल ने वेयर किया वो उसका क्वालिटी एंड वर्क कुछ और ही होगा, बट यहाँ उसकी रेप्लिका बनाई है जो कि मुझे बहुत ही पसंद आई है। जॉर्जेट के फैब्रिक है ये ब्लाउज, एंड 0.8 मीटर के ब्लाउज पीस है, फ्रंट एंड बैक स्लीव वगैरह के लिए आप इसे अटैच करवा सकते हो, फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। वेल अगर मैं कहूँ तो मुझे साड़ी सच में बहुत पसंद आई है, काफी ये डिजाइनर है, स्टाइलिश भी है, पार्टी वेयर जैसी वाली पूरी साड़ी है, बहुत ही लाइट वेटेड साड़ी है। आई थिंक इसका प्राइस जो है आई थिंक अंडर 1000 रुपीज ही होगा, मैं प्राइस भूल जाती हूँ, बट जो भी प्राइस हो ना मुझे साड़ी सच में अच्छी लगी है। अगर इसका ज्यादा भी होगा तो भी आप मतलब मैनेज कर लो क्योंकि साड़ी सच में बहुत ही बढ़िया है, बट हाँ इसका जो स्टोन की जो क्वालिटी है वो ना थोड़ा सा निकल भी सकता है। वेल मुझे अभी निकला हुआ बिल्कुल भी नहीं मिला है, लेकिन ये ब्रश वॉश वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं है, बस पानी में डालो उठा के डाल दो उस तरह का साड़ी है। हाँ बट जो इसका स्टोन का वर्क है कहीं कहीं अनइवन है उतना ही, अदरवाइज जब आप इसको वेयर करोगे ना सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लुक आएगा है, एंड आई रियली होप कि आपको भी ये साड़ी पसंद आई होगी। सो इस साड़ी का बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस सभी जो साड़ीज थे ना बहुत ही बढ़िया थे, अमेजिंग थे, उनके प्राइस वाइज क्वालिटी डिजाइन फैब्रिक 10/10। सो गाइस ये रहा आज का मेरा वीडियो, एंड आई रियली होप कि आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो ना तो लाइक किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाना, आई रियली होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। बाय बाय।